नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। सीबीआई स्पष्ट जांच नहीं कराया, शुरू से गड़बड़ किया। आप कंप्रेसी में साहब को जेल में डाला गया है, ना कि कोई लेन देन के है, ना लिखा पढ़ी है, कुछ नहीं है। चारों ओर से पूरा देश भर के लोग जो लोग हैं, बिहार के जनता जो विरोध में हम लोग के रहते हैं, वो लोग सब लोग संगठन बना के मिल के लालू यादव के जेल भेजवाने के, केस करवाने के काम किया। मुख्य सचिव जो जिला के रहते हैं, मुख्य सचिव हैं, डीएम हैं, ऐसी ये लोग की जिम्मेवारी होना चाहिए। तब वो सब छोड़ के लोग नीचे के छोड़ के ऊपर लोग सीधे मुख्यमंत्री पर अंगड़ी उठाने के लोग काम किया, जेल भेजवाने का। तो जी के बारे में क्या नाम है, हम लोग शुरू से जानते हैं कि सबको नाम है, कितना आदमी को नाम गिनाएगा। आदमी नीतीश कुमार का नाम था, शिवानंद तिवारी का नाम था, राधानंद झा के नाम था, राजू सिंह का नाम था, बहुत लोग के मन है, जदयू के सुशील मोदी का नाम था, सबके नाम था, बहुत लोग का नाम था, सब पार्टी के लोगों का नाम था। आई पुराना केस है, 1977 से ही हुआ था, जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला था कि जांच हो नहीं ऊपर से। बाकी 90 के बाद जो हुआ है लालू जी के समय में, उस पर जांच हुआ ना कि 77 से जांच होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बोला हुआ है, कानून बनाया था सुप्रीम कोर्ट की, शुरू से जांच हो। हम करेंगे, जरूर करेंगे, मांग करते हैं। नहीं तो बढ़ाया गया तो ठीक है, बढ़ा दिया गया ठीक है, बाकी इस पर जो आया है, जो रांची कोर्ट ने बोला है, तो उस पर तो लेना चाहिए। सिपाही जी जो माननीय न्यायाधीश हैं, उनको तो बोले हैं, नोटिस भी किए हैं वो लोग को, तो इस पर तो रिजाइन सरकार को करवाना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए, कार्रवाई भी होना चाहिए। राजबाला वर्मा भी थी रांची का, वो भी थी, उनका भी नाम है, सबको नाम है, पता चाहिए। तो देश और दुनिया देख रहा है कि किस तरह के जांच हो रहा है, सीबीआई चाहे ईडी हो चाहे कोई हो, किस तरह का बचाव करने का काम लोग कर रहा है। नीतीश कुमार का अंतरात्मा जागेगा, तेजस्वी यादव का तो नाम आरोपी, अंतरात्मा जागेगा कि नहीं जागेगा, तो आप लोग देखिए, देश के बिहार के जनता देखे, कहाँ गया उनका अंतरात्मा, कहाँ गया, मर गया? खाली तेजस्वी पर हुआ था, अंतरात्मा जागा था, कहाँ गया? शर्म आना चाहिए इस सरकार को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को शर्म आना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, नोटिस मिल गया तो बर्खास्त करना चाहिए।